सबसे पहले बात करेंगे उन खबरों की जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, उनके दावे क्या हैं, उनमें कितनी हकीकत है, ये आपको अपनी पेशकश में हम बताएंगे। तो बात करें दिल्ली में फैल रहे स्मॉग की, जिसने आजकल दिल्ली एनसीआर को अपनी आगोश में ले रखा है, और यही कारण है कि लोगों का जीना भी दूभर हो गया है, वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन एक मैसेज में दावा यह किया जा रहा है कि घरेलू नुस्खों की मदद से स्मॉग के साइड इफेक्ट्स को मात दी जा सकती है। तो इसकी हकीकत क्या है, और अगर ये सही है तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। यह मंजर दिल्ली का है, वो दिल्ली जो कभी दिल वालों की दिल्ली कहलाती थी, लेकिन आज दिल्ली दम घोट रही है। यहाँ की फिजाओं में जहर घुल गया है, जिंदगी इसी धुंध में लिपट कर फंस कर रह गई है। धुएं के समंदर में दिल्ली को सांस लेना मुश्किल हो रहा है। स्मॉग की गिरफ्त में फंसी दिल्ली को राहत का इंतजार है। स्मॉग यानी स्मोक और फॉग का जानलेवा कॉकटेल। स्मॉग अंग्रेजी शब्द स्मोक के पहले दो अक्षर SM और फॉग के आखिरी दो अक्षर OG मिलाकर बनता है। लेकिन चार शब्दों से बना ये लफ्ज इंसानी कलेजे को चाक कर रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, जिसका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, और जिसका असर ह्यूमन हेल्थ और मोर्टैलिटी पे डायरेक्ट है। लेकिन वही है, जैसे मैंने कहा, इट्स अ साइलेंट किलर। दिल्ली का दम घोंट रहे स्मॉग को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे वायरल हो रहे हैं। इनमें से किसी में मास्क के जरिए स्मॉग को बेदम करने का दावा किया जा रहा है, तो किसी वायरल दावे में घरेलू नुस्खों की मदद से स्मॉग के साइड इफेक्ट्स को दूर करने का दावा किया जा रहा है। इंटरनेट पर सुर्खियां बटोर रहे इन वायरल मैसेजेस में एक में किया जा रहा दावा सबसे अलग है। तमाम जानकारियां सोशल मीडिया पर एक्टिव हो रही हैं। एक मैसेज जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, उसमें दिया है कि दिल्ली में जारी स्मॉग से निपटने में विटामिन सी ओमेगा फैटी एसिड फायदेमंद साबित हो सकता है, इसलिए तुलसी का सेवन करें, अदरक नींबू या काजू अखरोट खूब खाएं, जिससे आप प्रदूषण से लड़ने में आपको सहायता मिल सकती है। इस मैसेज की हम करेंगे पड़ताल, जानने की कोशिश करेंगे कि ये वायरल मैसेज सही है या फिर सिर्फ अफवाह। इस वायरल मैसेज में स्मॉग की वजह, इससे बचाव और निपटने के लिए कई सनसनीखेज दावे किए गए थे। पड़ताल के पहले फेज में हमारा फोकस इस बात पर हुआ कि आखिर स्मॉग बला क्या है, क्या ये धुंध है या फिर हाई लेवल पॉल्यूशन। स्मॉग वो जहर है जो किसी को भी बहुत बीमार बना सकता है। गाड़ियों और फैक्ट्रियों से निकलने वाली खतरनाक गैस, धुएं और कोहरे के मेल से स्मॉग बनता है। स्मॉग का असर हवा में कई दिनों तक हो सकता है। तेज हवा चलने या बारिश के बाद ही स्मॉग का असर खत्म होता है। जानकारों के मुताबिक दिल्ली NCR में फैलने वाला स्मॉग जानलेवा है, लेकिन पोल्यूशन इज अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। और ये अगर हम डेटा देखें, पुराना वाला डेटा भी देखें, और ये डेटा लंदन से 1955 में, लंदन में जब एकदम हाई लेवल्स ऑफ पोल्यूशन हुआ था, जिसको लंदन स्मॉग कहते हैं, तो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट किया था कि ऑलमोस्ट हफ्ते में ही 4000 से ज़्यादा पेशेंट्स पोल्यूशन के कारण मरे थे। तो लोगों का तो एस्टिमेट ये है कि हर साल इस पोल्यूशन के कारण ऑलमोस्ट 30,000 से ज़्यादा लोग जो है इंडिया में, एटलीस्ट NCR एरिया में ही, उनके डेथ हो सकती है बिकॉज ऑफ हाई लेवल्स ऑफ एयर पोल्यूशन। बट दीज आर एस्टिमेट ड्यूरिंग विंटर मंथ। जानकार मानते हैं कि स्मॉग के हालात डराने वाले हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा था कि N95 मास्क पहनने से स्मॉग से राहत मिल सकती है। वायरल मैसेज के मुताबिक स्मॉग के दौरान घर से बाहर जाने से परहेज करना चाहिए, लेकिन क्या वायरल मैसेज भरोसे के लायक है? क्या मास्क पहनना स्मॉग से राहत दे सकता है? कोई डेटा नहीं है जो शोज कि एयर प्योरीफायर्स या मास्क बहुत इफेक्टिव हैं। मास्क अगर आप डालोगे और अगर वो टाइट नहीं है, तो मास्क के साइड से भी पोल्यूशन जो है आपके सांस की नाली में आ जाएगा और असर करेगा। और एक बहुत टाइट मास्क N95 या N99 मास्क डालना, बहुत देर के लिए डालना मुश्किल है, तो उसकी एफिकेसी पे कोई ज़्यादा डेटा नहीं है। एयर प्योरीफायर्स अगर आप एक सील्ड कमरे में एयर प्योरीफायर लगाएंगे तो उसमें PM2.5 लेवल्स कम होंगे, लेकिन अगर आपका घर का कमरा है जहाँ खिड़कियाँ भी हैं और दरवाज़ा बीच बीच में खुलता भी है,
और आप 24 घंटे उस घर में नहीं रहते, तो कुछ टाइम के लिए एयर प्योरीफायर्स लगाने से फ़ायदा होता है या नहीं, इसमें भी कोई डेटा नहीं है। ओवरऑल डेटा डज नॉट सपोर्ट कि बहुत ज़्यादा फायदा होता है। वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा था कि दिल्ली के जानलेवा स्मॉग से निजात के लिए विटामिन सी ओमेगा फैटी एसिड राहत दे सकता है। दावे के मुताबिक तुलसी, अदरक, नींबू, काजू और अखरोट वायु प्रदूषण के असर को कम कर सकते हैं। इस मैसेज में किए गए दावे के मुताबिक विटामिन सी, ओमेगा फैटी एसिड और मैग्नीशियम रिच डाइट स्मॉग के नुकसान को कम कर सकते हैं। वायरल मैसेज में जिन चीजों का जिक्र किया जा रहा था वो फायदेमंद है, इसमें किसी को कोई शक नहीं। तुलसी और तुलसी का अर्क नजला जुकाम से लेकर इम्यूनिटी बढ़ाने में लंबे वक्त से इस्तेमाल किया जा रहा है। आयुर्वेद में भी इसका जिक्र है। वहीं अदरक और नींबू भी सदियों से भारतीय रसोई में इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। काजू और अखरोट सेहत के लिए मुफीद हैं, ये भी नया या अनजाना तथ्य नहीं है। लेकिन क्या वायरल दावे में शामिल ये चीजें स्मॉग के नेगेटिव इफेक्ट्स को कम करने या खत्म करने में फायदेमंद साबित हो सकते हैं? इस दावे की तस्दीक के लिए हमने आयुर्वेद के जानकार से संपर्क किया, उन्हें वायरल मैसेज दिखाया और सवाल पूछे। नहीं, मैसेज पार्टली ठीक है, क्योंकि तुलसी इज क्वाइट यूजफुल एंड मोर ओवर गिलोय शुड बी टेकन। हाँ, और गिलोय को लेना चाहिए और विटामिन सी की जगह आंवले का सेवन ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आंवला इज ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, वो ज़्यादा यूजफुल है। घरों में हल्दी होती है, हल्दी ले सकते हैं दूध में मिला के, दैट इज़ ऑल्सो यूजफुल। ओमेगा एंड अदर थिंग्स आर न्यूट्रिएंट्स हैं और उनके अंदर ओमेगा होता है, जैसे इसमें अखरोट में, तो वो इतना इमीडिएटली इफेक्टिव नहीं है। लेकिन तुलसी इज इमीडिएटली इफेक्टिव एंड गिलो इज इफेक्टिव एंड आमला इज इफेक्टिव। आयुर्वेद के जानकार ने वायरल मैसेज को आधा सच और आधा झूठ करार दिया। उनके मुताबिक वायरल मैसेज में जिन सामानों का जिक्र किया गया है वो सेहत के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन ये दावा करना कि स्मॉग से होने वाले नुकसान से ये राहत दे सकते हैं गलत है। इस मामले पर हमने आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह ली, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये नुस्खे बेहतर साबित होते हैं आपकी सेहत के लिए, लेकिन ये डायरेक्ट इम्पैक्ट कर पाए या आपको प्रदूषण से बचा पाए ऐसा मुमकिन नहीं है। हालांकि इससे कहीं ना कहीं आपके शरीर को फ़ायदा ज़रूर पहुंचता है और वो बीमारियां जो प्रदूषण की वजह से होती हैं उससे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रोकथाम ज़रूर हो सकती है, लेकिन पूरा इफेक्ट हो ऐसा मुमकिन नहीं लगता। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश शर्मा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। वहीं 14 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सनसनी मचा रहा है और इस वीडियो में एक लड़की अचानक एक फ्रेम के अंदर कैद हो जाती है। क्या है इसकी हकीकत, चलिए ये भी आपको दिखाते हैं। चौदह सेकंड के इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर धमाल मचा रखा है। वायरल वीडियो को लेकर कई तरीके के दावे किए जा रहे हैं। जिस किसी के पास भी ये वीडियो पहुंच रहा है वो उसे शेयर या फॉरवर्ड करने से परहेज नहीं कर रहा। क्या एक साबुत जीता जागता इंसान महज कुछ सेकंडों में गायब हो सकता है? इंटरनेट पर इन दिनों एक ऐसी तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें एक मस्ती करती हुई लड़की पलक झपकते ही एक तस्वीर में कैद होकर रह जाती है। क्या है इस वायरल वीडियो की हकीकत? क्या ये जादू है, आँखों का धोखा है या फिर किसी तकनीक का कमाल? आज इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस वीडियो के हकीकत की हम पड़ताल करेंगे। वायरल वीडियो का सच तलाशने के लिए हमने इंटरनेट पर इसकी पड़ताल शुरू की। इंटरनेट पर जांच के दौरान जानकारी मिली कि विजुअल इफेक्ट के जरिए कई हैरत अंगेज मंजर बनाए जा सकते हैं। कैमरा, एडिटिंग और सॉफ्टवेयर की मदद से हर उस सोच को मुमकिन किया जा सकता है जो नामुमकिन सा लगता है। तो क्या वायरल वीडियो भी विजुअल इफेक्ट का ही नतीजा है? 14 सेकंड के इस वीडियो को लेकर हमारे जहन में कई सवाल थे। मसलन, वायरल वीडियो की हकीकत क्या है? वायरल वीडियो कहाँ शूट किया गया? इस वीडियो को सोशल मीडिया पर कब अपलोड किया गया? ये वीडियो एडिटिंग का कमाल है या फिर इसे सॉफ्टवेयर की मदद से बनाया गया है? वायरल वीडियो की तस्दीक के लिए हमने विजुअल इफेक्ट एक्सपर्ट से संपर्क किया, उन्हें वायरल वीडियो दिखाया। ये एक स्पेशल टाइप के सॉफ्टवेयर है जिसको हम सब VFX के नाम से जानते हैं, स्पेशल इफेक्ट्स के नाम से जानते हैं। जो बेसिक्स जो है वो ये सॉफ्टवेयर काफ़ी जो दिखाया है ये भी कोई हाईटेक नहीं है। ये स्पेशल एग्जांपल जो आपने दिखाया है वो डेफिनेटली हाई एंड एग्जांपल नहीं है, सिंपल एग्जांपल है वो। जहाँ पे हम बोलते हैं कि वो जो लड़की है वो जो खड़ी है
वो सॉफ्टवेयर में जो फ्रेम में खड़ी है वो फ्रेम हम लोग फ्रीज कर देते हैं, और फ्रीज करके हम लोग सॉफ्टवेयर के जरिए उसको एक बोर्ड के कटआउट के जैसे बनाते हैं, और वो बोर्ड हम लोग हमारा नीचे गिर जाता है। सो दिस इज़ अ सिंपल थिंग। देर आर सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल लाइक बोले तो एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स है, न्यूक है, इवन ब्लेंडर है, तो ये सब सॉफ्टवेयर में ये सब हो सकता है। वो फ्रेम गिरा के यू कैन मेक इट लाइक वो पूरा फायर हो गया वहाँ पे और धुआं निकल गया वहाँ से, या फिर बाढ़ आ गया वहाँ पे, सडनली बहुत पानी आ गया, वो फ्रेम ऐसे पानी में बह सकता है वो, तो ऑल दिस थिंग्स यू कैन डू। हमारी पड़ताल में साफ हो गया कि वायरल वीडियो महज विजुअल इफेक्ट सॉफ्टवेयर का कमाल है, इसमें जादू जैसा कुछ नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश केवट के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, मुंबई। चलिए बात करते हैं एक और वायरल मैसेज की, जिसमें दावा ये किया जा रहा है कि क्या समंदर के किनारे बर्फ जमा हो सकती है, और वो भी गर्मी के मौसम में। क्या है इसकी हकीकत, इसकी पड़ताल न्यूज नेशन ने की और आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। क्या समंदर किनारे जम सकती है बर्फ? क्या गर्म फिजाओं में बर्फ का जमना मुमकिन है? क्या समंदर की लहरों में बर्फ का दिखना चमत्कार है? ये हम नहीं कह रहे, सोशल मीडिया में वायरल एक खबर में ऐसा ही दावा किया जा रहा है। सोशल साइट्स पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें समंदर की लहरों के साथ बर्फ की सिल्लियां बहकर आती हैं और कुछ ही देर में बीच पर बर्फ का ढेर लग जाता है। हमारे जहन में कई सवाल उठे, मसलन क्या वीडियो में किया जा रहा दावा सही है? क्या तिरुचेंदूर जैसे गर्म इलाके में बर्फ जम सकती है? इन सवालों का जवाब हमें कोई एक्सपर्ट ही दे सकता था, इसलिए हम बिना देर किए सेंटर ऑफ एशियन मैनेजमेंट के डायरेक्टर के पास पहुंचे। फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल्स इन तिरुचेंदूर इज हाईली इम्पॉसिबल एंड इट्स प्योरली अ फेक न्यूज एंड इट्स अ रूमर। वी कैनॉट सी, वी आर लिविंग इन ए प्लेस वेर वी द टेम्परेचर इज वेरी हाई, वी आर नियर टू द इक्वेटर ट्रॉपिकल रीजन, वी कैन क्लासीफाई द अर्थ इन द ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड पोलर रीजन्स। द फॉर्मेशन ऑफ आइस इज पॉसिबल ओनली इन द पोलर रीजन वेर द टेम्परेचर इज इन माइनस। जहां श्रीनिवासुलु ने वायरल वीडियो को फर्जी करार दिया, वहीं इंटरनेट पर हमारी पड़ताल में भी वीडियो से जुड़ा एक सच सामने आया, जिसके मुताबिक वायरल हो रहा ये वीडियो एक वेबसाइट से लिया गया है, जिसे बर्फीले इलाकों के हालात की जानकारी देने के लिए पोस्ट किया गया था। ये वीडियो पोलैंड में फिल्माया गया है, जिसे फरवरी में पोस्ट किया गया था। हमारी पड़ताल में वायरल वीडियो में किया जा रहा दावा गलत साबित हुआ। टीम न्यूज़ नेशन। वहीं एक 70 साल की महिला का वीडियो वायरल हो रहा है, जो बहुत दिलचस्प है, इसकी हकीकत भी दिखाते हैं। कहते हैं टेबल टेनिस में कामयाबी की कुंजी है फुर्ती और तेज निगाह, लेकिन क्या 70 साल के किसी बुजुर्ग के लिए पिंग पोंग कहे जाने वाले इस खेल में महारत रखना मुमकिन है? कुछ ऐसा ही दावा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में किया जा रहा है। वायरल वीडियो को लेकर कई वेब पोर्टल और न्यूज एजेंसियों ने स्टोरी भी की है। वायरल वीडियो में लाल साड़ी पहने और चश्मा लगाए एक बुजुर्ग महिला बेहद पेशेवर अंदाज में टेबल टेनिस खेलती हुई दिखाई दे रही है। टेबल टेनिस में बुजुर्ग महिला का साथ एक शख्स दे रहा है। जरा देखिए बुजुर्ग महिला की सर्विस कितनी शानदार है कि टेबल टेनिस पर उनका विरोधी कई बार चूक जाता है। वायरल वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर इस वीडियो को 30 लाख से ज्यादा हिट्स मिल चुके हैं। इस वीडियो में बुजुर्ग महिला किसी इंडोर स्टेडियम में टेबल टेनिस खेल रही है। टेबल के चारों तरफ मजमा लगा है, भीड़ बुजुर्ग महिला की हौसला अफजाई कर रही है। हमारी पड़ताल में वायरल दावा सही पाया गया है। वायरल वीडियो 70 साल की टेबल टेनिस खिलाड़ी सरस्वती का है। उन्हें टेबल टेनिस खेलना काफी पसंद है। सरस्वती टेबल टेनिस में भारत और कर्नाटक का प्रतिनिधित्व भी कर चुकी हैं। PSL से जुड़ने के बाद वो कभी कभी ही खेलती थी, लेकिन अब रिटायर होने के बाद वो अपना पूरा समय टेबल टेनिस को दे पा रही हैं। फेसबुक पर शेयर किए गए सरस्वती के वीडियो को अब तक 30 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। हाल ही में सरस्वती ने बेंगलुरु में टेबल टेनिस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। वहां मौजूद दर्शकों ने खेलते वक्त उनका एक वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जिसके बाद ये तुरंत वायरल हो गया। टीम न्यूज़ नेशन।